अब हम आपको ले चलते हैं काकोरी ब्लॉक का ग्राम सैथा, हमारे राम लखन मौर्य की एक खास रिपोर्ट। आइए देखें ग्राम सैथा में क्या हालचाल है। नालियों में पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हैं, प्रधान कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए सैथा ग्राम सैथा में ये नाली के विवाद में लोग पानी निकलने की दिक्कत है। हमारे रिपोर्टर राम लखन मौर्य जो सैथा में है, की समस्या का समाधान यहाँ पर नाली विवाद में लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। सब पानी भरा हुआ है, ये जनता सब आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ पानी निकलने की दिक्कत है, इसीलिए आप लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल हमारा नाली बना चाहिए, तो यहाँ तो नाली बनी है, कोई मेहतर साफ सफाई करने कार्यकर्ता नहीं आता है, सफाई करने कोई नहीं आ रहा। और प्रधान मंत्री कभी देखने आते हैं समस्या को? कितने दिन से यहाँ सफाई कर्मी नहीं आवा है? सैथा के पास में हाईवे पर बहुत तेज रफ्तार में ट्रैक्टर्स चलते हैं जो मौत को दावत देते हैं, और इस कारण यहाँ पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रक्स का आना जाना है जो काफ़ी ख़तरनाक है। हमारे रिपोर्टर एंड कैमरामैन ने इस चीज़ को रिकॉर्ड किया है कि यहाँ पर मौत को दावत देने वाले ट्रैक्टर्स चल रहे हैं। सड़क चौड़ी नहीं है ज़्यादा, और कभी कभी तो ईंटें लाद के माल से ट्रैक्टर्स आते हैं जो इस रोड पर मौत की तरह चलते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का ट्रैफिक रूल्स लागू नहीं होता, जाओ चले जाओ। कई एक्सीडेंट्स यहाँ हो चुके हैं। रिपोर्टर राम लखन मौर्य की रिपोर्ट। ये आप देख रहे हैं ग्राम सैथा में प्राथमिक स्कूल है। इस प्राथमिक स्कूल में ज़मीन नीची होने के कारण यहाँ पानी भर जाता है, जिसके चलते यहाँ पर बच्चे बैठ नहीं पाते हैं, और स्कूल से बच्चों को हटा दिया गया, भवन कंडम घोषित कर दिया गया है, ये मान लीजिए। इस घोषित किए गए कंडन भवन को इसी तरह पड़ा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर अब क्लासेस जो हैं नहीं लग रही हैं, क्लासेस दूसरे नवनिर्मित भवन में लग रही हैं। जो माध्यमिक भी है वहाँ पर और बेसिक भी है। आइए ले चलते हैं आपको उस नए भवन में, क्योंकि ये कंडम हो चुका है, यहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ सकते। अब हम कई तरह ये है बना दो विद्यालय सैथा बगल में नया भवन है, और यहाँ पर अभी भी निर्माण कार्य चालू है।
ये धूप में बैठ के बच्चे अपना पढ़ रहे हैं, 10-15 और टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं। ये माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ पर बच्चे गेम्स खेल रहे हैं और इस विद्यालय में काफ़ी बड़ा परिसर है। यहाँ अक्षय पात्र के द्वारा खाना पहुँचाया जाता है दोपहर का। अस्सी बच्चों खाना आता है अक्षय पात्र। अब देखो बाबू के रॉक गार्डन 9792393270 नहर रोड नियर शुक्ला चौराहा जानकीपुरम विस्तार। शादी बरात और मांगलिक अवसर के लिए संपर्क करें।